नमस्कार, मैं स्वाति सिंह, आप देख रहे हैं अनभारत। रुक करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह ने उठाए सवाल, कहा सत्ता के लिए कांग्रेस ने घाटी को कई बार खतरे में डाला। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पे की पोस्ट, लिखा मां का प्यारा पप्पी उसका फेवरेट। सिद्धारमैया को मिला राहुल खड़गे का साथ, कांग्रेस ने एमयूडीए घोटाले को बताया कर्नाटक सरकार के खिलाफ साजिश। पुलिस भर्ती में एक तिहाई कैंडिडेट्स के नदारद रहने पर अखिलेश यादव का तंज, कहा बीजेपी राज में युवाओं का परीक्षा से उठा भरोसा। बांग्लादेश की मदद करने चला कंगाल पाकिस्तान, भारत विरोधी सरकार को अपने करीब लाने में लगे सहबाज, मदद के लिए मोहम्मद यूनुस को लिखा पत्र। मंकी पॉक्स ही नहीं डेंगू से भी रहना होगा अलर्ट। साउथ के राज्यों के बाद देश भर में बढ़ रहा प्रकोप, कर्नाटक केरल तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। हाथरस में 12 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा, सालवर गिरोह पर खुफिया तंत्र की नजर, डीएमएसपी ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। कन्नौज में यात्रियों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 12 यात्री गंभीर रूप से घायल, चालक को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। लखनऊ में राज्यपाल ने अधिकारियों से की मुलाकात, 31 अधिकारियों से की बात, समस्याओं के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। ठेकेदार की मिली भगत से हो रहा था पेड़ों का कटान, पुलिस ने ट्रैक्टर टाली को किया जब्त। 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, आगे की खबरों को देखने के लिए देखते रहें अनभारत। नमस्कार।